हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू गाइस आर वेल। दोस्तों, क्या आप भी नो स्कार्स, जो कि बहुत मोस्ट पॉपुलर क्रीम है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये नो स्कार्स क्रीम्स जिसको लोग यूज़ करते हैं मेनली बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन, झाइयाँ, डिस्कलरेशन, मिलाजमा, इस टाइप की कंडीशन के लिए लोग यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग पिंपल्स के दाग को हटाने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। तो क्या ये क्रीम आपने कभी यूज़ की है? इसके अलावा इस क्रीम को यूज़ करने का सही तरीका क्या है? कितने लंबे समय के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो? क्या ये क्रीम एक स्टेरॉयड क्रीम है? इसके अलावा इस क्रीम के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, कि कौन सी एज ग्रुप वाले इसको यूज़ कर सकते हैं? इन सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं देने वाली हूँ, लेकिन उसके लिए वीडियो को पूरा देखें। वीडियो पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं रिव्यू। सबसे पहले, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये है नो स्कार्स, जो कि बहुत लंबे समय से लोग इसको यूज़ करते आ रहे हैं। कारण यह है कि इस क्रीम को यूज़ करने के बाद उनको अपना स्किन टोन काफ़ी फेयर फील होता है। इसके अलावा इस क्रीम को यूज़ करने से उनकी स्किन में बहुत ज़्यादा डिस्कलरेशन है, या फिर स्किन में बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं यहाँ पे। इसके अलावा बहुत ज़्यादा दाग धब्बे हैं। कुछ लोगों की स्किन अनइवन होती है, यानी स्किन का जो टोन होता है वो अनइवन होता है, तो ये क्रीम उसको भी ठीक करती है। यानी कि ऑल ओवर बात करें तो इस क्रीम को यूज़ करने से आपकी स्किन की पिगमेंटेशन, झाइयाँ, दाग धब्बे, यहाँ तक कि किसी किसी को पिंपल हो जाते हैं, उसके निशान पड़ जाते हैं, तो ये क्रीम उसको भी ठीक करती है। इसके अलावा आपको आपके स्किन में कहीं पे कट्स के घाव हैं या बहुत ज़्यादा निशान वगैरह है, तो ये क्रीम उसको भी हील करती है। क्रीम के प्राइस की, तो इसका प्राइस है ₹259, यानी कि 260 है। ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगी, मेडिकल स्टोर से भी मिल जाएगी, इसके अलावा आपको जनरल स्टोर से भी मिल जाएगी, आपको थोड़ा बहुत इसमें डिस्काउंट मिल। बात करें इसके प्रोडक्ट क्वांटिटी की, 20 ग्राम इसकी प्रोडक्ट क्वांटिटी है। काफ़ी थोड़ा सा एक्सपेंसिव क्रीम है, लेकिन ऑल ओवर बात करें तो काफ़ी अच्छा इसका रिजल्ट है। तो अब बात करते हैं कि ये क्रीम काम कैसे करती है। इसलिए ये काम करती है, इसमें हाइपर पिगमेंटेशन, पोस्ट पिंपल स्कार, डार्क सर्कल एंड अंडर आई पैचेस, यानी कि अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा हाइपर पिगमेंटेशन है, पिंपल्स के जो दाग रह गए हैं, या स्किन या फिर आंखों के नीचे जो काले घेरे होते हैं, उनको क्योर करने के लिए इसमें खास लिखा है। इसके अलावा इसमें कौन से इंग्रेडिएंट यूज़ किए गए हैं, इसमें हाइड्रोक्विनोन, ट्रेटिनोइन एंड मेमोटासोन करके तीन मेन इंग्रेडिएंट इसमें यूज़ हुए। हाइड्रोक्विनोन एक इस प्रकार का इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी स्किन को लाइटन करने में मदद करता है, यानी एक स्किन लाइटनिंग एजेंट है। सेकंड, ट्रेटिनोइन विटामिन ए का ही सब्सिट्यूट है, यानी आपकी स्किन सेल को रीजनरेट करने में मदद करता है। इसके अलावा न्यू सेल्स को जनरेट करता है। थर्ड, मोमेटासोन एक स्टेरॉयड इंग्रेडिएंट है, यानी कि ये आपकी स्किन में किसी भी प्रकार के सूजन, खुजली या एक्जिमा को ट्रीट करने के लिए ये जाना जाता है। तो बेसिकली तीनों मिलके काम करते हैं, तो ये आपकी स्किन को लाइटन करता है, ब्राइटन करता है, स्किन से दाग धब्बों को रिमूव करता है। तो दोस्तों, इसको यूज़ करने का सबसे पहले सही तरीका क्या है, किस प्रकार यूज़ करना है? पहले तो आपको इसको पैच टेस्ट लेना है, यानी आपकी स्किन को सूट कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए आपको अपना फेस वॉश करें अच्छे से, उसके बाद उसको पोंछ लें। उसके बाद इस क्रीम की थोड़ा सा अमाउंट लेके यहाँ पे अप्लाई करें। आप चाहो तो यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हो। आल पूरी रात के लिए छोड़ दें, सुबह नॉर्मल पानी से वॉश करें। उसके बाद आप देखें किसी भी प्रकार की खुजली, दाने या सूजन वगैरह आपको नहीं है, तो इसका मतलब ये क्रीम आपको सूट कर रही है। अदरवाइज़ अगर खुजली है, दाने वगैरह हो गए, तो ये क्रीम आपको सूट नहीं करती। वैसे तो ये हर एक को सूट करती है, लेकिन कुछ केसेस में हो सकता है स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, तो हो सकता है सूट ना करे। उसके बाद अगर आपको ये सूट करती है, तो आपको क्या करना है, डेली आपको रात में फेस वॉश करना है। उसके बाद इस क्रीम को ऑल ओवर फेस में अप्लाई करें। वैसे तो हो सके तो जहाँ पे आपको प्रॉब्लम वहाँ करें, अदरवाइज़ आप चाहो तो पूरे फेस पे भी अप्लाई कर सकते हो। लगातार आप इसको 15 से 20 दिन इसको यूज़ करें, उसके बाद आप देखोगे कि आपके जो स्किन की जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ा सा कम होती हुई नज़र आ रहे हैं। तो आपको इस क्रीम को, जैसे कि आपके थोड़ा सा इसका यूजेस कम कर देना है, यानी कि जैसे आपने आज यूज़ किया है तो अगले दिन इसको स्किप कर देना है, फिर नेक्स्ट डे। इस प्रकार आपको इसको यूज़ करना है, 2 महीने, 2 से 3 महीने इसको यूज़ करें। तो दोस्तों, इसके अलावा इस क्रीम को 18 साल से ऊपर वाले
ऊपर की एज वाले ही इसको यूज़ करें, 18 साल से कम एज वाले इसको ना यूज़ करें, क्योंकि ये एक स्टेरॉयड क्रीम है। स्टेरॉयड एक स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप इसको यूज़ करते हो तो आपकी स्किन को ये नुकसान पहुंचा सकता है। इसके अलावा इस क्रीम को लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ ना करें। कुछ लोग क्या करते हैं कि स्किन में इसके फ़ायदे देख के वो हमेशा के लिए इसको यूज़ करने लगते हैं, जो कि प्रेजेंट टाइम में उनको उसका नुकसान नहीं दिखता, लेकिन आगे जाके उनकी स्किन काफ़ी पतली हो जाती है। इसके अलावा स्किन में रिंकल्स आने लगते हैं, कभी कभी स्किन में सूजन वगैरह भी आ जाती है। इसके साथ ही साथ स्किन को उसकी आदत पड़ जाती है, जैसे आप इसको छोड़ोगे तो आपकी स्किन की कंडीशन पहले से भी ख़राब हो सकती है। क्रीम को लगा के धूप में नहीं निकलना है, अदरवाइज़ ये फ़ायदे की जगह नुकसान करना है दिन, तो इस वजह से इसको एक लिमिटेड टाइम के लिए यूज़ करें। इसके अलावा अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसको यूज़ करें। थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, थोड़ा बहुत पिगमेंटेशन है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों मेल एंड फीमेल दोनों लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको मेरा ये ऑनेस्ट रिव्यू या ऑनेस्ट ये जो इस क्रीम के बारे में रिव्यू पसंद आया। अगर पसंद आया तो प्लीज़ दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।